नरेंद्र मोदी तो ब्राह्मण नहीं है। नरेंद्र मोदी क्या है सो कोई दुनिया जानती है क्या? नरेंद्र मोदी तो बोला प्रधानमंत्री की हम चाय बेच रहे थे तो हम हिंदी सीखा, अंग्रेज थे क्या? इलाहाबाद बोलता ये नहीं है वो। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपए कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अमेरिका में जाइए, ब्रिटेन में जाइए, वहाँ प्रधानमंत्री से लोग सवाल पूछ देते हैं, खड़े सवाल पूछ देते हैं एकदम, नहीं आप झूठ बोलेगा बोल देगा। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला, ये तो पत्रकार खड़े बोल दिया सर आप गलत बोल रहे हैं, निक्सन को आपसे ज्यादा मिला। सर हमारे यहाँ का पत्रकार 200 रुपया में पकौड़ा बेचेगा तो रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ मानेंगे। अरे उसको सीधे बोलिए 200 रुपया में पकौड़ा रोजगार नहीं जीविका होती, बोलेंगे उसको क्या? मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप फंसते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। मीडिया गुलाम हो गया, गोदी मीडिया हो गया, ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं, आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं। जब रैली में नजर नहीं आते तो आप मन की बात कर रहे होते, हर समय आप टीवी पर नजर आते, आप रैली कर रहे थे ना, आप अपने लिए, आप देश के लिए काम थोड़ी कर। कैबिनेट की मीटिंग कर रही है आपको, आप सब से मिलना है, ये सब कैसे जेल में होगा मुझे बताइए? आपको मुलाकात करके आए उनसे? अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी किया ना, अभी बता दे। पहले ये बताओ, एक बंदा था उसने किसी से पूछा, कहता अगर जंगल में जाओ तो आपके पीछे शेर पड़ जाए, शेर आपके पीछे हो जाए तो क्या करोगे? गोली मार दूंगा। कहता आपके पास कारतूस ना हो, कहता बंदूक का बट मार दूंगा मैं। कहता आपके पास बंदूक ही ना हो, कहता मैं उसको शूरा निकाल के उसको गर्दन काट दूंगा। कहता अगर आपका शूरा भी ना हो, कहता मैं जेब से लाल मिर्ची निकालूंगा उसकी आंखों में डाल दूंगा। कहता अगर आपके पास लाल मिर्ची भी ना हो, कहता मैं भाग के किसी पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। कहता अगर शेर आपके पीछे पेड़ पर चढ़ जाए, उसने कहा जी मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले ये बता तू शेर की तरफ है या मेरी तरफ है? पहले आप ये बताओ आपने इस्तीफा लेने लेना आज किसकी तरफ हो? भाई आप, हमने आपको कह दिया सारी मीटिंगें हो जाएंगी, सारे अफसर भी चले जाएंगे, आप दिखाते रहना सरकार चलेगी। मैं बताता हूँ मैंने क्यों, अगर शेर की तरफ हो फिर तो कुछ करें, शेर की तरफ की बात है। गजब बेइज्जती है। अभी मीडिया आप खोलिए, कोई भी एगो मौलाना बैठे ले होगा, एगो इधर कोनो इस पार्टी का, कोई उस पार्टी का, लड़ रहा मुर्गा लड़ाओ, बचपन में हम लोग मुर्गा लड़ाते थे, अब न्यूज वाला ना ऐसे ऐसे लड़ा। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? नहीं। आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद, आपकी झूठ की वजह से लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं और आपके झूठ को भी उसी में ढूंढ रहे हैं कि कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है। टाइम ज्यादा स्पेंड करने के वजह से न्यूज चैनल वाले अपनी मर्यादा भूल जा रहे हैं। ये केवल ऐसा मुद्दा रख देते हैं ना कि आप न्यूज चैनल छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आप अगर इधर का न्यूज चैनल में देखेंगे ना तो कुछ इस टाइप के लोग मिलेंगे, एक मौलाना को उठा के लाओ यहीं से, ऐसे आलतू फालतू कहीं से जिनको बेरोजगार घूम रहा है सब, और इनको 5,000-7,000 रुपया तो ही चले आएंगे लोग। थोड़ी मर्यादा रखिए। रवीश कुमार जो है ना पत्रकार, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उसने बोला था कि अगर मनमोहन सिंह में हिम्मत है तो एक दिन सरकारी स्कूल में आकर मिड डे मील का खाना खा के दिखा। खिलाइए प्रधानमंत्री के डिनर में और लंच में ये खाना, ये मार और चावल, तब पता चलेगा कि मिड डे मील जो इसका इतना ढिंढोरा दिल्ली में पीटा जा रहा है वो असल में फायदा क्या है। अब तो अपनी आंखें खोलो बेशर्मो, जिन नेताओं को तुम अपना भगवान समझ रहे हो आंखें खोल कर देखो, इन भगवानों ने तुमको किस लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है। जिस उम्र में तुमको रोजगार वाली लाइन में होना चाहिए था, जिस उम्र में तुम्हें रोजगार की मांग करनी चाहिए थी, उस उम्र में तुम ऐसे कुवड़ कार्यक्रमों में मोबाइल से वीडियो बना रहे हो, तो जिस मोबाइल से तुम वीडियो बना रहे हो वो भी तुमने EMI से ही लिया होगा। बात तो सही है। तो बेरोजगारी का अगर यही स्तर रहा तो तुम्हें इस EMI को भरने के लिए हमें कच्चे बेचने पड़ेंगे। अगर आपके दिलों में इतना लोकतंत्र की भावना भरी पड़ी है
एक छोटा काम कर दीजिए। ठीक है, बताऊं बताऊं ये कांग्रेस वालों को सुनाऊं? आपकी अनुमति हो तो सुना दूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक बार, बहुत बार नहीं, एक बार 5 साल के लिए आपके परिवार के बाहर का कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा। अरे मैं मान लूंगा। रुको जरा, सबर करो। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बड़ा इतिहास रचा है कांग्रेस पार्टी में, गैर गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष वो बने हैं। अबे नो 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 जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भीड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के सहारों पर चलता रहेगा, और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, सबसे भ्रष्ट चोर लुटेरी सरकार भारतीय जनता पार्टी, ये आज सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर वोटिंग की बात करते हैं, भगवान श्री राम के नाम पर बात करते हैं। इनके पास कुछ बचा नहीं है, कोई भी काम नहीं है, सिर्फ आपस में नफरत करवाना, आग लगाना, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। एक चीज कहना चाहता हूँ कि आग नफरत लगाकर क्या करेंगी, बस्तियां यूं जलाकर क्या करेंगे, जब अपना मुल्क ही टूट जाएगा तो मंदिर मस्जिद बनाकर क्या करेंगे। वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़ राजस्थान एमपी जीत गई? अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी तूने कहा आपकी आशानुसार एग्जिट पोल्स सही रहे ना हमारी आशानुसार नतीजे सही रहे, आपको और हमें दोनों को आत्ममंथन करना चाहिए। सही पकड़े। लेकिन इसके साथ में एक लाइन और बोलना चाहूंगा, जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं, कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए, और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसी दे दीजिए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सीएजी, 7 दिन के लिए एजेंसी और 1 महीने के लिए आज तक, तो यही मांग रहे हैं आपसे। अच्छा गलत कर रहे हैं, आप श्रेय लीजिए, आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। नहीं, आपको लेना चाहिए। कंगना रनौत का नाम सुने? उसने कहा है कि 2014 में भारत आजाद, जब मोदी जी आए हैं ना, तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देह पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था भैया। क्या? पहले मैं 2014 से पहले नंगा नाचता था, शायद आप भी नंगे ही रहे होंगे। उनका अभियान चल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पूरा बताओ, गोदी मीडिया अगर नहीं होगे तो सच्चाई बताओगे? आप बोल दो, हिम्मत है तो। मैं क्यों बोलूं? बोलने की हिम्मत है? अरे डरपोक लोग हैं आप। अरे पत्रकार, ए पत्रकार, सत्ता के दलाल। सिर्फ एक ही मर्द था भाई पत्रकारिता में, रवीश कुमार, जो सवाल पूछता था। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, 2014 में राष्ट्र निर्माण हुआ है, कंगना रावत ने तो सबूत दे दिया। अरे कंगना रावत कौन होती है सबूत देने वाली? भारत की सबसे महान एक्ट्रेस है, पद्मश्री है। ऐसे घटिया लोगों को तो गोबर रतन मिलना चाहिए। पद्मश्री तो आपने बहुत बड़ी बात, इनकी बात इत्तेफाक नहीं रख, महिला का अपमान हो रहा है। मैं नहीं कर रहा महिला का अपमान, मैं कहां कर रहा हूं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मैं कह रहा हूं। ये तो किसने कहा था भैया, आपको पता है? हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्या हो कि इसकी प्रत्येक लाइन का लिखा हुआ शब्द पूरी तरह से झूठा हो, ये शुद्ध ना होते हुए मिलावटी सामान हो। इस लाला को मालूम है कि भारत में जितनी जनता है उसे मूर्ख बनाना आसान है। बात तो सही है, क्योंकि इसने भगवा रंग उड़ कर रखा हुआ है, तो विश्वास इस पर नहीं है, भगवा रंग पर है। जो बोलूंगा लोग सच मान लेंगे, और अगर मेरी बात पकड़ जाएगी तो मैं माफी मांग लूंगा। और माफी मांगने का तरीका भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है जब इस पर, तो इसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। प्रचार वो कुछ इस प्रकार से करता है, माफी कुछ इस प्रकार से मांग रहा है, जिसमें उसकी फोटो नहीं है कहीं, इस प्रकार का डिजाइन नहीं है कहीं, और वो भी अंग्रेजी में। भारत की 68% जनसंख्या इंग्लिश नहीं पढ़ सकती, ना ही उसे समझ सकती है, तो इसकी छवि पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ऐसा इसको लग रहा है। तो क्या हम इतने मूर्ख हैं कि ये हमारी हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है भगवा पहनकर? कहां है वो हिंदू के संरक्षक? क्या उनको नहीं दिख रहा है कि ये कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है? अगर भगवा चोला पहनकर ये झूठ बोल रहा है, तो यह झूठ इसके द्वारा नहीं भगवा के द्वारा बोला जा रहा है। क्या भगवा का अपमान नहीं है? क्या यह बाबा के बेस में कोई व्यापारी नहीं है? क्या भारतीय जनता के आस्था का खिलवाड़ नहीं है? आस्था के साथ खिलवाड़ के साथ साथ यह स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है।